हमें सेहत पर कई ऐसे मेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनके होंठ काले पड़ने लगे हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, होठों का डार्क पड़ जाना हाइपर पिगमेंटेशन के कारण होता है, यानी आपके होठों में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब मेलानिन वो चीज़ होती है जो आपके शरीर के सेल्स बनाते हैं। मेलानिन आपके बालों और स्किन को कलर देता है। जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ज़्यादा डार्क कलर, जितना कम मेलानिन उतना लाइट। अब आपके होठों में मेलानिन ज़्यादा क्यों बनता है, इसके पीछे कुछ वजह हैं, जैसे बहुत ज़्यादा धूप में रहना, पानी कम पीना, सिगरेट पीना, टूथपेस्ट, लिपस्टिक या किसी और चीज़ से एलर्जी हो जाना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना और होठों को ज़्यादा चूसना। अब देखिए, ये तो हुए कुछ आम कारण। इसके अलावा कीमोथेरेपी, एनीमिया, विटामिन सी की कमी या फ्लोराइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन कारणों की वजह से भी होठ काले पड़ जाते हैं। फ्लोराइड एक केमिकल है जो पानी और टूथपेस्ट में डाला जाता है मुँह से बदबू को रोकने के लिए। अब ये तो हो गए कारण, इलाज के लिए क्या किया जाए? कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे सोने से पहले नींबू की एक फाँक काट लें, उसे शक्कर में डुबोएं, फिर उस फाँक को होठों पर स्क्रब करें, सुबह गुनगुने पानी से धो लें। इससे होठों पर जमी डेड स्किन जो है वो निकलेगी। इसके अलावा एक कटोरी में एक टेबलस्पून दूध लें, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें, उसका पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को होठों पर लगा लें, 5 मिनट तक रहने दें और उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। धोने के बाद लिप बाम ज़रूर लगाएं। एलोवेरा का जेल भी काफ़ी असरदार रहता है, उसे लगाएं। जब वो सूख जाए तो गुनगुने पानी से धो लें। अगर इन घरेलू नुस्खों से फ़ायदा ना हो तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं जो काफ़ी असरदार रहते हैं।